तो राम राम सही भाइयों को क्या है भाइयों, आप सबकी उम्मीद करता हूँ बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। तो भाइयों आज फाइनली टाटा पंच टाटा वाले ने रिवील कर दी है। इससे पहले मैंने कई बार टाटा पंच की वीडियोस बनाई हैं, लेकिन अब ऑफिशियली टाटा वाले ने अपनी पंच को दिखा दिया है, जो कि आप ऐसा कुछ आपको गाड़ी में डिज़ाइन लगने वाला दोस्तों, काफ़ी शानदार गाड़ी होने वाली है। और उम्मीद है कि ये गाड़ी काफ़ी सक्सेसफुल भी हो टाटा के लिए। ये ऐसी गाड़ी है कि आपको बाहर से देखने में तो बड़ी लगेगी, लेकिन इस गाड़ी को एक मिनी एसयूवी का नाम दिया जाएगा। टाटा वाले ने ऐसा करा है कि कम बजट में आपको एक मिनी एसयूवी मिल जाए और अच्छे पैसों में आपको एक एसयूवी का मज़ा मिल जाए। फीचर लोडेड गाड़ी ही होने वाली है, एएमटी और मैनुअल दोनों के ऑप्शन में इसमें आपको गाड़ी मिलने वाली है दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, गाड़ी में आपको स्पेस अंदर की जो है वो काफ़ी शानदार मिलने वाली है, और इसके जो डोर्स हैं आपको 90 डिग्री ओपन वाले डोर्स मिलने वाले हैं, जो कि इस सेगमेंट में किसी भी गाड़ी में नहीं है दोस्तों। और जो टाटा पंच का प्राइस होने वाला है वो अभी ऑफिशियल रिवील तो नहीं किया गया है, लेकिन उम्मीद है कि ये गाड़ी 5 से 8 लाख की रेंज में आ जाएगी। और अगर ये गाड़ी 5 से 8 लाख तक की रेंज में आ जाए तो दोस्तों ये गाड़ी इतनी ज़बरदस्त हिट होने वाली है, टाटा की तरफ से एक शानदार प्रोडक्ट होने वाला है। आप देख सकते हैं टाटा की हर गाड़ी इतनी ज़्यादा बिकती है, जैसे कि अल्ट्रोज हो गए, टाटा टियागो, टाटा टिगोर, टाटा नेक्सोन हो या फिर टाटा हैरियर, सारी गाड़ियाँ दोस्तों इसकी इतनी ज़बरदस्त अपने सेगमेंट में लीडर हैं कि दोस्तों ये भी गाड़ी एक अलग ही लेवल की आपको मिलने वाली है। फीचर लोडेड गाड़ी होने वाली है, इंजन भी इस गाड़ी में काफ़ी पावरफुल और साइलेंट इंजन इसमें आपको मिलने वाला है। डीजल इंजन को तो अभी इसमें ऑप्शन नहीं मिलने वाला है, लेकिन जो इंजन आपको इसमें मिलेगा वो ज़्यादा एफिशिएंट होगा, ज़्यादा अच्छी पावर डिलीवरी करेगा, अच्छा इसमें आपको टॉर्क मिलेगा छोटे RPM पे ही। 7000 इस गाड़ी का जो पिकअप होगा वो भी शानदार होने वाला है। मैं आपको बता दूँ इसमें आपको 1.2 लीटर का रेवट्रॉन इंजन मिलने वाला है, जो कि काफ़ी अच्छी पावर और परफॉर्मेंस प्रोड्यूस करने वाला है। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन इसमें आपको मिलने वाला है इसके टॉप एंड वेरिएंट में। इसको आप इसमें आपको ट्रैक्शन कंट्रोल का भी ऑप्शन मिलने वाला है, मतलब जो फीचर आपको हाई एंड गाड़ी में मिलते हैं वही आपको इसमें मिलने वाला है। सेफ्टी की बात करें तो दोस्तों काफ़ी सेफ गाड़ी रहने वाली है, मैं आपको बता दूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें आपको हाई स्टेनलेस स्टील का जो यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा किया गया है, और टाटा की गाड़ी वैसी है आप सबको पता ही है, बिल्ड क्वालिटी तो इसकी काफ़ी शानदार होने वाली है। सेफ्टी में इसमें आपको ABS, EVD, हाई स्टेनलेस स्टील बॉडी, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम सब कुछ इस गाड़ी में आपको मिलने वाला है। और टाटा ने ये दावा करा है कि ये गाड़ी 4 से 5 स्टार कम से कम दोस्तों ये लेके आएगी अपनी क्रैश टेस्ट में। और आप इस गाड़ी का लुक देख सकते हैं, इस गाड़ी की हाइट जो है वो टाटा की नेक्सॉन जितनी ही होने वाली है, विड्थ टाटा की नेक्सॉन से ज़्यादा बड़ी होने वाली है। ग्राउंड क्लीयरेंस भी इस गाड़ी का 190 mm के अराउंड होने वाला है दोस्तों, जो कि ऑफ रोडिंग में भी इस गाड़ी में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। अंदर के इंटीरियर में आपको टच स्क्रीन सिस्टम मिलेगा, जो कि टाटा अल्ट्रोज से ज़्यादा बढ़िया और ज़्यादा अपडेटेड होने वाला है। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले मिलने वाला है, और साथ ही साथ इसका जो आपको पीछे का हम्प है वो भी फ्लैट दिया गया है दोस्तों। कूल्ड ग्लव बॉक्स इसमें आपको मिलेगा, ऑटोमेटिक क्लाइमेटिक कंट्रोल, वायरलेस मोबाइल फोन चार्जिंग सब कुछ इस गाड़ी में आपको मिलने वाला है दोस्तों। कीलेस एंट्री भी इसमें आपको मिलेगी, 90 डिग्री के डोर इसमें आपको ओपन मिलने वाले हैं, जो कि अब तक किसी भी गाड़ी में नहीं है इस सेगमेंट में। क्रूज कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, वॉइस कमांड, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, यानी कि सब कुछ इस गाड़ी में आपको दिया गया है दोस्तों। बाकी किसी भी तरीके की आपको इसमें कमी नहीं लगने वाली, फीचर की भी कोई कमी नहीं है। इसमें डुअल टोन कलर का ऑप्शन भी इसमें आपको दोस्तों मिलने वाला है, यानी कि आप इसमें आपको ब्लू कलर में आपको रूफ वाइट मिलने वाली है, और इसके ऑरेंज कलर में इसमें आपको ब्लैक रूफ मिलने वाली है, जो कि काफ़ी स्पोर्टी आपको गाड़ी लगने वाली है। अंदर की स्पेस आप देख सकते हैं, 3 लोग इसमें आराम से बैठ जाएंगे, बीच का हम्प भी नहीं है इसमें आपको। रियर AC वेंट इसमें आपको नहीं मिलेंगे, जो कि ये एक आपको डिसएडवांटेज मिलने वाला है। बाकी सब कुछ इस गाड़ी में आपको मिलने वाला है। बाकी इसका जो वेरिएंट है आप देख सकते हैं, इसमें आपको 4 वेरिएंट मिलेंगे, प्योर, एडवेंचर, अकम्प्लिश्ड एंड क्रिएटिव। ये चारों थोड़े से नाम थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आपको 4 वेरिएंट इसमें आपको मिलने वाले हैं। बाकी यही था आज की वाली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो ना तो प्लीज़ एक लाइक करना और सब्सक्राइब करना। फिर ऐसे ही मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।